हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो बड़े साइज़ का रेड कलर का रोज़ का फ्लावर है मेरे गार्डन में, इसका जब ये ब्रांच निकल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सकर है, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बहुत कांटे हैं, है ना। और इसमें जो लीफ है ना, वो आप 7 लीफ ही आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ इसके 7 लीफ। आप ये देखो, इसमें 7 लीफ है, इसमें भी देखो आप 7 लीफ है ना। तो 7 लीफ था, मुझे लगा ये सकर है, लेकिन मैं जब इसका ये देखी, जो ग्राफ्टेड पोर्शन था उसके ऊपर से ये निकला था, तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं इसका क्या करूं। बट एक्चुअली ये शूट पोर्शन में से था, ये सकर नहीं था। 7 लीफ एक तरह से मिथ्स है कि 7 लीफ हो गए तो प्लांट्स में, मतलब प्लांट्स मतलब आप फ्लावर नहीं करेगा एंड समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है, जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं ना, उसके अगर ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो सकर होते हैं। एक चीज़ थी कि इसका जो कलर था रेडिश था बिल्कुल, जो हरी शूट में होते हैं, जो ओरिजिनल ब्रांच होता है, जो मेन ब्रांच होता है जो फ्लावरिंग करता है, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो बिल्कुल रेडिश होते हैं। और ये जो होता है सकर, वो बिल्कुल ग्रीनिश दिखता है। तो ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, इसमें काफ़ी कांटे भी थे और 7 लीफ ब्रांचेस थे इसके, तो मुझे बहुत डाउट हुआ। बट मैं इसे ग्रो होने दी, और क्योंकि ये बहुत, इसका देख रहे हो आप, ब्रांच बहुत लंबा गया है, तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मेन प्लांट का ये सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। तो मैं कह की थी, जब ये ग्रो हो रहा था, मुझे जब छोटा सा बर्ड्स दिखा था इस फ्लावर का, तो मैं उसके साइड के लीफ में उसे तोड़ दी थी, जैसे ये आप देख रहे हो, मैं इसे तोड़ दी थी ताकि जल्दी रिजल्ट आ सके। अगर बर्ड्स हैं तो जल्दी सामने आ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा अगर फ्लावरिंग कर रहा है, ये बर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्लावरिंग करेगा, ये अच्छा ब्रांच है। तो मैं कुछ कुछ लीफ इसके साइड के तोड़ देती, जैसे ये आप देख रहे हो, फिर ये आप देख रहे हो, फिर यहाँ का आप देख रहे हो। तो क्या हुआ, जैसे जैसे ये बर्ड्स बड़ा हुआ, फ्लावरिंग तो किया, बट जो मैंने लीफ का जो पोर्शन ये इस तरह से कट किया था, वहाँ से नए नए ब्रांचेज आ गए। जैसे जैसे ये ग्रो हुआ, एक और नया ब्रांच रेडी हो गया फ्लावरिंग करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो आप, एक बर्ड आ चुका है और यहाँ पे भी एक आने वाला है, तो आप ऐसा देख सकते हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये काम मैंने बहुत अच्छा किया। एक फ्लावर तो मुझे मिल ही गया, इतने बड़े साइज़ का रेड रोज़ है, इसमें सेंट भी है। अब जब तक ये मुरझाएगा ये ब्लूम हो जाएगा, और ये जब तक मुरझाएगा तब तक ये पूरी तरह रेडी रहेगा मेरे गार्डन का शोभा बनाने के लिए। तो ये ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जब आप, मतलब कोई कली बहुत, मतलब लंबे ब्रांचेस से निकल रहे हैं, मैं कह रही थी साइड का कुछ कुछ लीफ तोड़ देती ताकि प्लांट का, मतलब मोस्टली जो न्यूट्रिशन है वो फ्लावरिंग करने में जाए, क्योंकि ज़्यादा लीफ होंगी, क्योंकि 7 लीफ ही ज़्यादातर थे, तो मैं हटा दी थी। तो उससे क्या होगा, कुछ है भी तो न्यूट्रिशन जाकर डायरेक्ट मिलेगा फ्लावरिंग करने के लिए बर्ड्स को, तो मैं हटा देती हूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा कि जो साइड के लीव्स मैंने कट किए थे फ्लावर के ठीक नीचे, बर्ड्स के ठीक नीचे, वहाँ से नए नए ब्रांचेस निकल गए और वो भी अब फ्लावरिंग करने को तैयार है। तो थैंक यू सो मच, ये मैं ट्रिक आपसे शेयर करना चाह रही थी। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर कहिएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय।